हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू की है एग्जाम से रिलेटेड, क्या कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम होने हैं या फिर नहीं होने हैं। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया है, हम इसको पूरा समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर जो भी किसी भी कॉलेज के अंदर या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो कि MHA ने जारी की है और इसके अंदर यूनिवर्सिटीज को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को परमिट किया गया है एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात की गई है सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके ही एग्जाम करवाने की बात इस नोटिफिकेशन के अंदर की गई है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम करवाने की बात अभी तक नहीं की गई है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बोला गया है कि जो फाइनल टर्म के एग्जाम हैं वो कंपलसरी कंडक्ट करवाए जाएंगे एज पर UGC गाइडलाइंस, और जो एकेडमिक जो कैलेंडर है यूनिवर्सिटीज का उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन अभी आई है ये रिवाइज होगी स्टेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अभी तक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, वो एक या दो दिन के अंदर नोटिफिकेशन इशू कर देगा। जब वो नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में आपको वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो अप्रैल महीने के अंदर गाइडेंस आई थी UGC की, उसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने की बात कही थी। जहां तक हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर नहीं लगता है किसी भी छात्र को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट सुनी थी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की, उसके अंदर ये बोला गया था कि किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर ये बोला गया है कि जो कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर या फिर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन करवाने के बारे में अभी कोई भी विचार नहीं है। तो यहाँ से ये साफ जाहिर होता है कि कॉलेजों के अंदर या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके ही एग्जाम करवाने की बात अभी चल रही है, और जो कि बात इस नोटिफिकेशन के अंदर की गई है। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।